हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जी चैप्टर गैसियस स्टेट का सेक्शन ई से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 ml ऑफ ए गैस कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन वेयर मिक्सड विथ एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन 30 ml एंड द मिक्सचर एक्सप्लोडेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। आफ्टर द एक्सप्लोजन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सड गैसेस रिमेनिंग वॉज 25 ml। ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द वॉल्यूम फर्दर डिमिनिश टू 15 ml ऑफ द रेसिडुअल गैस बींग प्योर ऑक्सीजन। ऑल वॉल्यूम्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू NTP। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। तो मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CXHY। ये आपके पास 5 ml दिया हुआ है। अब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन आपके पास है 30 ml और ये सफिशियंट है, एक्सेस में है, ऐसा नहीं है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। 30 ml O2 है और जब ये एक्सप्लोजन होता है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबसन करता है, तो CO2 + H2O बनाएगा। ये तो हम बताए ही हैं कि हाइड्रोकार्बन का कंबसन से CO2 + H2O बनता है। अब बोल रहा है कि जब ये एक्सप्लोजन हो जाता है तो मिक्सचर ऑफ गैस जो है, ये पूरा गैस जो रहेगा आपका, O2 रहेगा, CO2 रहेगा, H2O भी गैस फॉर्म में रहेगा, ये सभी 25 ml है, ठीक है। और उसके बाद जब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करवाते हैं सॉल्यूशन को, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या करता है, ये जो है CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो बोल रहा है कि सिर्फ रेसिडुअल गैस जो है वो ऑक्सीजन बचता है, मतलब H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और ये भी बाहर चला जाएगा, सिर्फ O2 गैस है और ये 15 ml है। मतलब 30 ml में से 15 ml रिएक्ट करता है और 15 ml एज इट इज बच जाता है, तभी तो ये रेसिडुअल गैस बच गया। KOH से CO2 एब्जॉर्ब हो गया तो गैसियस मिक्सचर से O2 बचेगा जो कि 15 ml है। मतलब 15 ml बचा हुआ है, तो रिएक्शन में कितना पार्ट लिया, रिएक्शन में 15 ml पार्ट लिया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 25 ml मिक्सचर था, जब KOH पास किया तो KOH पास करने से सिर्फ CO2 गैस जो है आपका एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये जो 10 ml एब्जॉर्ब हुआ है ये CO2 गैस का वॉल्यूम होगा, तभी तो KOH पास किए तो वो 10 ml घट गया, क्योंकि CO2 गैस खत्म हो गया KOH पास करने से, तो इसके कारण जो वॉल्यूम होगा वो भी घट गया, मतलब 10 ml CO2 गैस है। तो अब जो है एक्चुअली में ये रिएक्शन है कि CXHY हाइड्रोकार्बन है, ये O2 के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है। H2O यहाँ लिक्विड में होगा तभी इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, नहीं तो H2O का भी वॉल्यूम होता अगर ये गैसियस फॉर्म में होता तो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कहने का मतलब अगर होता था। तो इस रिएक्शन में आपके पास 15 ml O2 रिएक्ट करता है और 10 ml CO2 बनाता है, और इनिशियली आपके पास 5 ml हाइड्रोकार्बन है। अब पहले तो इसका बैलेंसिंग रिएक्शन देखिए, तो ये CXHY से X+Y/4 O2, इससे X CO2 + Y/2 H2O बनेगा। अब देखिए 1 ml के लिए X+Y/4 ml O2 का चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि 1 मोल के लिए X+Y/4 मोल O2 हमको चाहिए, तो 1 ml के करस्पॉन्डिंग X+Y/4 ml O2 का चाहिए। मतलब अगर 5 ml हाइड्रोकार्बन है तो हमको O2 चाहिए 5 × X+Y/4, और हम अभी देखे कि O2 जो है 15 ml हमको चाहिए था, मतलब 15 ml 5 ml के साथ रिएक्शन किया, मतलब 5 × X+Y/4 जो है ये 15 के इक्वल होगा, मतलब X+Y/4 = 3 होगा। और 1 मोल से
एक्स मोल बनता है, मतलब 1 ml अगर हाइड्रोकार्बन का है तो उससे x ml CO2 का बनेगा। अब क्वेश्चन में 5 ml हाइड्रोकार्बन है तो 5 ml से 5 x ml CO2 का बनेगा, और हमको पता है कि CO2 जो बना है वो 10 ml बना है, मतलब 5x = 10, तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा। अब x = 2 इसमें रख दीजिए तो y का भी वैल्यू आ जाएगा, तो 2 + y/4 = 3, तो y/4 = 1, तो यहाँ से y = 4 आता है। तो आपका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस हो जाएगा C2H4, X2 था y/4 है तो CXH बाई, यही आपका हाइड्रोकार्बन है। आंसर को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे CH4 लिखा हुआ है आंसर में, उसको करेक्ट करके C2H4 बना दीजिए। हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4। इथीन, C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन, फिर इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका इथीन होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए स्ट्रेट ग्लास ट्यूब हैज 2 इनलेट्स एक्स एंड वाई एट 2 विंड्स। बोल रहा है कि एक ग्लास ट्यूब है जिसका कि 2 इनलेट्स है एक्स और वाई, मतलब इधर से भी गैस पास कर सकता है, इधर से भी गैस पास कर सकता है, दोनों एंड पे है। हाँ, द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 200 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ जो है वो 200 सेंटीमीटर है। एस सी एल गैस थ्रो इनलेट एक्स, एक्स इनलेट से एस सी एल गैस पास करता है और NH3 थ्रो इनलेट वाई, और इस इनलेट से वाई इनलेट से NH3 गैस पास करता है। अलाउड टू इंटर द ट्यूब एट द सेम टाइम, व्हाट फ्यूम्स अपीयर एट पॉइंट पी इन साइड द ट्यूब, फाइंड डिस्टेंस पी फ्रॉम एक्स। ये जो है कह रहा है कि कहीं पे एक पॉइंट पी है जहां पे दोनों गैस आपस में मिलता है, तो इस पॉइंट पे कौन सा फ्यूम्स बनेगा और ये पॉइंट पी जो है वो एक्स से कितना डिस्टेंस पे होगा ये आपको बताना है। तो NH3 + HCl, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो NH4Cl बनाएगा, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आपस में रिएक्ट करके NH4Cl बनाएगा, तो जो फ्यूम बनेगा वो NH4Cl का फ्यूम होगा, ये व्हाइट कलर का फ्यूम होता है NH4Cl, व्हाइट फ्यूम्स। तो पॉइंट पी पे NH4Cl का फ्यूम्स बनेगा। अब ये पॉइंट पी कितना डिस्टेंस पे है फ्रॉम एक्स, तो देखिए एक्स वाले एंड से HCl जा रहा है और वाई वाले एंड से अमोनिया जा रहा है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ HCl। इसके बाद मान लीजिए कि ये जो पी पॉइंट है HCl से एक्स सेंटीमीटर पे है और ये 200 - x हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 200 है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन dv/dt या फिर dx/dt होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये t टाइम में हुआ है, तो dt आपका t होगा, मतलब चेंज इन टाइम कितना होगा, t टाइम है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकेंड है, यहाँ पे 5 + t हो जाएगा, तो डी टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 5 + t - t, टी टाइम लगा है तो डी टी आपका टी होगा, तो अपॉन में टी, और डीएक्स कितना होगा, तो एचसीएल के केस में तो डीएक्स जो है एक्स सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जो गैस है अगर ये कुछ भी डिस्टेंस चला हुआ होगा पहले से, 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया होगा, तो पी पॉइंट पर आते आते ये 5 + x सेंटीमीटर चला है, तो मतलब चेंज इन डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ये चला है, एक्स सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl हो जाएगा x / t। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया क्या होगा,
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया हो जाएगा 200 माइनस x, 200 माइनस x अपॉन टी। ये भी तो टी टाइम में ही यहां से यहां तक आया है, तो चेंज इन टाइम तो टी सेकंड ही है, लेकिन डिस्टेंस ये 200 माइनस x चला है, तो चेंज इन डिस्टेंस होगा 200 माइनस x। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 लिख दीजिए, तो HCl का x अपॉन टी अपॉन 200 माइनस x अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट, ये जो है इसके इक्वल होगा अंडर रूट। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया होता है 14 और HCl होता है 36.5, तो ये इस तरह से अंडर रूट 14 अपॉन 36.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आता है x अपॉन 200 माइनस x इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 17 होगा, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन का +3, तो 17 होगा, 14 नहीं होगा, जीएमएम ऑफ अमोनिया, तो अंडर रूट 17 अपॉन 36.5, ये जो है 1 अपॉन 2.14 होता है, तो ये एक्चुअली आपका अंडर रूट 2.14 है। इसका वैल्यू आता है 1.465, मतलब ये इक्वल टू 1 अपॉन 1.465 होगा, तो आपका जो होगा 1.465x इक्वल टू 200 माइनस x, तो ये 2.465x इक्वल टू 200, तो यहाँ से x इक्वल टू 200 अपॉन 2.465, इसका वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद 85.2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स हो जाएगा 85.2 सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकन, द मिक्सचर इज पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6 लीटर, द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम। तो इनिशियली आपके पास CO एंड CO2 है और दोनों का मिक्सचर का वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस मिक्सचर को हम लोग रेड हॉट चारकोल, चारकोल मतलब कार्बन से पास कर रहे हैं, तो कार्बन से जब पास करेंगे तो CO2 प्लस कार्बन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ट्वाइस CO बना लेगा, तो वॉल्यूम जो है वो 1.6 लीटर हो जाता है, द वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। तो जो वॉल्यूम है इनिशियली और फाइनली वो सेम कंडीशन पे है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर ये सब सेम ही है, कहने का मतलब जितना वॉल्यूम चेंज आया है वो मोल के कारण आया है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली आपके पास एक्स लीटर सीओ था, तो 1 माइनस x लीटर CO2 का होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1 लीटर है। अब आपके पास 1 माइनस x लीटर CO2 है, तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, मतलब 1 ml से 2 ml CO बनता है, मतलब 1 लीटर से 2 लीटर बनेगा, तो 1 माइनस x लीटर से 2 × 1 माइनस x इतना लीटर CO का बनेगा, और पहले से x लीटर था, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 2 × 1 माइनस x प्लस x, ये कितना के बराबर होना चाहिए, 1.6 लीटर के इक्वल होना चाहिए, तो 2 − 2x + x इक्वल टू 1.6, तो 2 − x इक्वल टू 1.6, तो x इक्वल टू 0.4 लीटर, तो आपके पास 0.4 लीटर CO है और 0.6 लीटर CO2 है, तो 0.6 लीटर से इसका डबल 1.2 लीटर बनेगा, और 0.4 लीटर पहले से है, तो टोटल वॉल्यूम 1.6 लीटर हो जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम क्या है, तो CO2 is to CO का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो ले लीजिए, तो CO2 है 0.6 अपॉन
पॉइंट फोर, तो ये 3/2, तो 3:2 के रेशियो में है CO2:CO बाय वॉल्यूम, तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम होगा 3:2. इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर अमोनिया गैस एट 1 atm प्रेशर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एट p atm प्रेशर आर अलाउड टू एफ्यूज थ्रू आइडेंटिकल पिन होल्स फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ 1 meter लेंथ एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. अमोनियम क्लोराइड इज फर्स्ट फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 cm फ्रॉम द एंड थ्रू हाइट HCl गैस इज 17. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? तो बोल रहा है कि 1 meter का ग्लास ट्यूब है, एक इंड से NH3 गैस इफ्यूज हो रहा है और एक इंड से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इफ्यूज हो रहा है. अमोनिया गैस जो है ये 1 atm प्रेशर पे है और HCl जो है p atm प्रेशर पे है. तो उसके बाद 1 meter लेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ HCl इज 17. तो ये जो है सबसे पहले HCl इंड से 60 cm जहां पे है यहाँ पे दोनों गैस मिलता है, मतलब जितना देर में NH3 40 cm इफ्यूज करेगा उतना देर में HCl 60 cm इफ्यूज कर जाएगा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, ये जो है P A अपॉन अंडर रूट T M 4NH3 अपॉन PA अपॉन अंडर रूट TM4 HCl होगा, जहां पे एरिया आइडेंटिकल है और टेम्परेचर भी सेम ही होगा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज्ड, सॉरी रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है तो टेम्परेचर भी सेम दिया हुआ ही है, तो T से T भी कैंसिल आउट हो जाएगा और अमोनिया का प्रेशर 1 atm है और इसका मोलिकुलर मास NH3 का और मोलिकुलर मास HCl का हो जाएगा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 17 मोलिकुलर मास ऑफ NH3 इनटू, अब मोलिकुलर मास ऑफ HCl मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में पी प्रेशर होगा, तो मोलिकुलर मास ऑफ HCl होगा अंडर रूट 36.5. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, NH3 40 cm चला है टी टाइम में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 हो जाएगा dx, चेंज इन डिस्टेंस 40 अपॉन dt. टाइम हम माने हैं कि टी टाइम लगा है तो टाइम में कितना चेंज आया टी, सिमिलरली HCl का अपॉन 60 अपॉन टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट, मतलब ये 40 अपॉन 60. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl होगा 2/3, मतलब यहाँ पे आप 2/3 रखिए, तो 2/3 इक्वल टू अंडर रूट 36.5 अपॉन 17 इंटू 1/P. और इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये आता है 2.14 और अंडर रूट के साथ होगा तो अंडर रूट से हटने के बाद 1.465 हो जाता है, तो 2/3 इक्वल टू 1.465 अपॉन पी. ये हम वैल्यू निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से ये देखिए 2.14 आता है, 17 अपॉन 36.5 मतलब 36.5 अपॉन 17, 2.14 का अंडर रूट आएगा जो कि 1.465 होगा. तो यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 1.465. अब जो है इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 2.157 atm, सॉरी 2.197 आता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।